हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आज मैं आपके साथ अरवी की पत्तों की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको हम लोग घुइयां भी बोलते हैं। और ये ताज़े पत्ते हैं, हमने अपने गमले में उगाए हैं। ताज़े पत्तों की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनेगी। देखिए, हम आपको छत पर लेकर आए हैं अपनी, और इसमें हम ताज़े ताज़े पत्ते तोड़ेंगे। इसमें गर्मी का समय है तो पत्ते सूख भी रहे हैं। ये देखिए, हम कटिंग कर रहे हैं इसकी। फ्रेंड, आपको भी सब्ज़ी उगाने का शौक़ है, कमेंट कीजिएगा। ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़े से लगाए हैं, दो गमलों में। ये देखिए कितने अच्छे हैं ताज़े ताज़े पत्ते। इनको काट कर हम ले चलते हैं अब नीचे। ये देखिए, सब काट लेंगे। कुछ छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। अब बाज़ार से लाओ तो एक जैसे पत्ते मिलते हैं, घर में छोटे बड़े सब मिक्स हैं। ये देखिए, हमने सारे पत्ते काट लिए हैं। अब इनकी हम करेंगे अच्छे से धुलाई। वैसे इसमें डस्ट वगैरह होगी, कोई केमिकल वगैरह नहीं, क्योंकि हम लोग जो है देसी खाद डालते हैं, जो गोबर वाली होती है। इसमें कोई यूरिया वगैरह खाद नहीं डालते हैं। घर पे हमारे जितने भी गमले हैं, सब वही खाद डाली जाती है। पत्ते हमने धुल लिए हैं। अब बेसन, ये जो बड़ा चम्मच हमने लिया है टेबल स्पून, इसी से हम नाप कर हम बेसन लेंगे। 5-6 चम्मच हमने बेसन ले लिया। इसमें डाल देंगे हम थोड़ी सी लाल मिर्च और स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ी सी हल्दी। नमक हम अभी तो थोड़ा सा डाल देंगे, बाद में हमें सब्ज़ी में भी नमक डालना पड़ेगा। फ्रेंड, बेसन इसमें कम लगाएंगे तो ये पत्ते बंधेंगे नहीं। इसमें हमने लगभग ये 300 से 400 ग्राम तक बेसन है। ये इसका हम एक इस तरीके से पेस्ट तैयार कर लेंगे कि चम्मच से उठाओ तो ये टपक जाए, बस इससे पतला नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें पत्तों में लगाएंगे तो ये टपकेगा। हमने 4 पत्ते ले लिए हैं, बस केवल 4 पत्ते। आप चाहें तो 2 पत्तों से ही बना लें, क्योंकि ये 4 पत्तों से बहुत मोटा बनेगा ये बिड़ का। अब इसको उल्टी तरफ से रख लेंगे, क्योंकि सीधे तरफ से इसलिए नहीं रखा जाता, उसमें जो है ना चिकनाहट होती है, इसमें चिपकेगा नहीं बेसन, इसलिए इसको बैक साइड से रखते हैं हमेशा। सब कोई ऐसे ही बनाता है। अब इसको हम एक चम्मच की सहायता से बढ़िया से इसमें हम कोट कर लेंगे बेसन। कोशिश करिएगा, बढ़िया से कोट कीजिएगा। उसके ऊपर एक और पत्ता रख लेंगे, उसको भी कोट करेंगे अच्छे से, दबाएं, इसको भी कोट करेंगे। बेसन में हल्दी ज़रूर डाल लीजिएगा, क्योंकि जब सब्ज़ी बनाएंगे और उसकी कटिंग करेंगे तो ये सब्ज़ी बनाएंगे तो उसके बाद इसमें जो लेयर बनी होंगी वो सफ़ेद सफ़ेद दिखेंगी, इसलिए इसमें हल्दी ज़रूर से ज़रूर डाल लीजिएगा। 3रा पत्ता हमने लगा दिया, ये 4था पत्ता हमने लगा दिया, इसको भी हम कोट कर लेंगे। अब दोनों तरफ से इस तरीके से मोड़ लीजिए अंदर की तरफ, इधर से भी मोड़ लेंगे अंदर की तरफ इस तरीके से। अब इसको हम एक तरफ से जिधर से आपको सही लगे वैसे इधर से ही मोड़िएगा, डंठल की तरफ से। अब इसको एकदम टाइट हाथों से खींचकर दबाते हुए इस तरीके से रोल बनाते हुए चले जाइएगा। और जो इस एकदम छोर पर पहुँचें, तो अगर उसमें बेसन ना हो तो बेसन अलग से लगा लें चिपकने के लिए, अगर हो तो ठीक है, यदि हमारा तो वैसे ही चिपक गया। ठीक है, इसी तरीके से हम और पत्ते ले लेंगे, इसको भी उसी तरीके से दबाते हुए। फ्रेंड, हमारी रेसिपी आपको कैसी लगेगी बताइएगा ज़रूर, हमें भी सपोर्ट कीजिएगा। देखिए, हमने ये हमारे 5 बिड़का तैयार हो गए हैं। अब ये हमने एक ले लिया है भगोना, जिसमें अक्सर हम पानी वगैरह गर्म करते हैं, उसी में हमने स्टैंड लगा दिया है। इसमें इतना पानी डालेंगे स्टैंड थोड़ा सा डूब जाए, और तुरंत के तुरंत ना डालिएगा। देखिए, उंगली डाल के देखिएगा, पानी हल्का सा गर्म छूने लायक हो जाए, बस हम छू सकें उसे, बस इतना सा ही। अब इसमें हम पत्ते डाल देंगे।
अब आप इस तरीके से ना उबालना चाहें तो वो छलनी टाइप की आती हैं जिसमें होल होते हैं, वो इस ऐसे भगोने में पानी भर लीजिए, उसके ऊपर रख दीजिएगा और स्टीम पर हो जाएंगे वो, भाप में ही हो जाएंगे। हम इस तरीके से उबालते हैं कि पानी में डूब जाएं। इससे ये होता है थोड़ा बहुत बेसन पानी में निकल जाता है, लेकिन गर्म पानी में डालेंगे तो कम ही निकलेगा। अब इसको ढक देंगे, फ्लेम हाई हमने रखी, ये देखो उबाल आ गया है, खूब बढ़िया से उबाल आ जाए, एक बार बढ़िया सा उबाल आ जाएगा। ये देखिए बढ़िया सा उबाल आया है। अब फ्लेम को कर देंगे हम मीडियम, देखिए इस तरीके से फ्लेम को मीडियम कर देंगे। अब इसको धीमे 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 इस तरीके से उबलने देंगे, 20 से 25 मिनट उबलने दीजिए। आप सोच रहे कि तो पत्ते हैं, हाँ पत्ते हैं, लेकिन इनको थोड़ा टाइम दीजिएगा, अगर टाइम नहीं दीजिएगा तो ये गले में लगेंगे, खाने में बहुत दिक्कत, खाने के बाद बहुत परेशानी होगी, इनको थोड़ा टाइम दीजिएगा। देखिए हमारे पत्ते उबल गए हैं 20 से 25 मिनट के बाद। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को कर देंगे हम बंद, अब इनको होने देंगे हम ठंडा, गरम गरम नहीं निकालिएगा। देखिए ठंडा हो गए हैं, अब स्टैंड के सहित ही चिपक गए उसी में, हमने तो स्टैंड के सहित ही इनको निकाल लिया बाहर। ठंडे में ये होता है इनकी कटिंग बहुत बढ़िया होती है, और ज़्यादा बढ़िया कटिंग करना चाहो तो फ्रिज में रख दो, तो और बढ़िया कटिंग होगी इनकी। देखिए एक एक करके सब निकाल लेंगे इस तरीके से, हम आराम से निकल जाएंगे, गरम गरम नहीं निकलेंगे, टूट जाएंगे। कोशिश करना गरम गरम मत निकालना। सब हमने रोल निकाल लिए हैं, बिड़का कह लो, रोल कह लो, भैया हम लोग तो गांव की भाषा में बिड़का ही बोलते हैं, शहर की भाषा में इनको रोल बोलते होंगे। सब तैयार हैं, ठंडे हो गए अच्छे से, आप चाहें तो फ्रिज में रख के ठंडा कर लें, बहुत बढ़िया कटिंग हो गई इनकी। अब इस तरीके से इनको गोल गोल पीसेस में हम कट कर लेंगे, थोड़ा मोटा ही रखिएगा, बहुत ज़्यादा पतले मत कीजिएगा। और इनमें नमक मिर्च और ये पक भी बहुत अच्छे से गए हैं, हल्दी सब कुछ है। एक पीस अगर आप ऐसे ही खाना चाहें तो खा सकते हैं, कोई ख़राब नहीं है। ये देखिए कटिंग हो गई, सब कट कर लेंगे इसी तरीके से। फ्रेंड हमारे खेत के हैं ये पत्ते, इनमें कोई भी केमिकल नहीं है, बहुत बढ़िया पत्ते थे, आप भी लगाइएगा अपने गमले में। देखिए मेरे कट के तैयार हो गए। अब मसाला वही बेसिक मसाला, हल्दी में हल्दी एक चम्मच, एक चम्मच धनिया एक चम्मच, मिर्च लहसुन प्याज का हम पेस्ट बना लेंगे, दो मीडियम साइज की इसमें प्याज हमने काटी है। देखिए पेस्ट तैयार है, तेल हमने कढ़ाई में गर्म होने के लिए रख दिया था, उसी में डाल देंगे हम प्याज, प्याज थोड़ी सी ब्राउन हो इसी में प्याज डाल दिया हमने पिसा हुआ, वही मसाले हमने डाल दिए। अब इसकी करेंगे हम अच्छे से, थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से करेंगे इनकी भुनाई। स्वाद के अनुसार आप नमक डाल लीजिएगा, नमक पहले हम डाला लेकिन उसमें हल्का है, स्वाद के अनुसार आप डाल लीजिएगा नमक। ये देखिए तेल छोड़ने लगा है मसाला, थोड़ी देर इसको भुनेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे, आराम से डालिएगा। अब इस तरीके से आप ना खाएं तो आप एक पैन में तेल डालकर इनको सेलो फ्राई कर लें, उलट पलट कर कुरकुरे बना लें, वैसे खा लें, कि उन मसाले वगैरह इसमें सब पड़े हुए हैं, हमारे यहाँ इस तरीके से बनाए जाते हैं। तो हमने मसाले डाल के बना लिए। इन पत्तों की सब्जी को इस तरीके से बनाकर आप दाल चावल रोटी के साथ खाइएगा, बहुत मस्त लगेंगे। उलट पलट कर उनको धीमी आंच पर, मीडियम रखिएगा फ्लेम, हाई नहीं, मीडियम पर धीमी आंच पर, टाइम तो लगेगा ही खाना बनाने में, टाइम तो लगेगा ही। ये देखिए हमने 10 मिनट हो गए हमको हैं धीमी आंच पर, ये देखिए इतने हमने भून लिए हैं, बस लगभग तैयार ही हैं। देखिए पत्ते हमारे तैयार हो गए हैं बन के, घुइया के पत्ते, अरवी के पत्ते। ये देखिए अब एक बाउल में हम निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड सब्जी हमारी तैयार हो गई है। फ्रेंड इस तरीके से बनाइएगा, अपने गमले में उगाइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।